नमस्कार, मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की और 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसका जन्म अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की प्रमुख शाखा शाहूखेल में हुआ था। बहलोल शाह लोदी कबीले का अग्रगामी था, इसलिए उसके वंश को लोदी वंश कहा जाता है। बहलोल लोदी ने अपने वजीर हमीद खां की मदद से दिल्ली पर कब्जा किया था। दिल्ली आने से पूर्व मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, समाना, सरहिंद, सुनाम, हिसार, फिरोजा सहित कई अन्य प्रमुख परगनों पर उसका नियंत्रण था। देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट आज के दिन हुआ था लॉन्च। भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में अपना डंका बजाते हुए 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। इसका नाम 5वीं शताब्दी के प्रमुख भारतीय खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट उपग्रह को सोवियत संघ के बनाए गए रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह 794 पाउंड वजनी उपग्रह था। इसका प्रयोग एक्सरे, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और सौर भौतिकी के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए किया गया था। अमेरिकी क्रांति की आज के दिन हुई थी शुरुआत। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत 19 अप्रैल 1775 को हुई थी। इसी क्रांति के बाद ब्रिटेन से आजाद होकर संयुक्त राज्य अमेरिका अलग देश बना था, इसीलिए इसे अमेरिका का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। इस अमेरिकी क्रांति की घोषणा 19 अप्रैल को हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार अमेरिकी क्रांति में लगभग 300 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे और बहुत से घायल भी हुए थे। यह संघर्ष करीब 7 साल तक चला था और तब अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिल सकी थी। प्रकृतिवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का आज के दिन हुआ था निधन। महान ब्रिटिश वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन का निधन 19 अप्रैल 1882 को हुआ था। डार्विन ने प्रकृति से जुड़े कई सिद्धांत प्रतिपादित किए और कई आविष्कार किए। चार्ल्स डार्विन के विकास के सिद्धांत और प्रकृति चयन के सिद्धांत को डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विन ने अपना पूरा जीवन प्रकृति को समझने में लगा दिया। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 19 अप्रैल दिन सोमवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है मन का सुख। मेष, मन के सुख के लिए भाग्य 44%। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी। अचानक धन लाभ होने के योग हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। पठन पाठन से लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। वृश्चिक, मन के सुख के लिए भाग्य 75%। रोग की वजह से अनावश्यक खर्च होगा। आपका समय उत्तम चल रहा है। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वाणी व आचरण पर संयम बरते झगड़े के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, मन के सुख के लिए भाग्य 41%। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग सफेद व नारंगी तथा निषेध रंग हरा व काही। कर्क, मन के सुख के लिए भाग्य 83%। बेरोजगारों के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। कठिन परिश्रम से सोच में सकारात्मकता आएगी। सुखद समय चल रहा है। इच्छाएं पूरी होंगी। कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना बरते हानि के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व पीला। सिंह, मन के सुख के लिए भाग्य 52%। कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग हैं। मनोरंजन और भोग विलासी प्रवृत्तियों में खर्च होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय उत्तम है। संतान के संबंध में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी व सफेद तथा निषेध रंग जामनी व स्लेटी। कन्या, मन के सुख के लिए भाग्य 53%। आय व्यय की तरह उपलब्धियों का संतुलन बना रहेगा। मनोवांछित सफलता मिलेगी। खूब मेहनत करें, अच्छा फल प्राप्त होगा। कारोबार में अपेक्षा अनुरूप सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग धानी नारंगी तथा निषेध रंग बसंती व जामनी। तुला, मन के सुख के लिए भाग्य 76%। आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो सकती हैं। कोई भी अनैतिक कार्य करने से पहले परिणाम ध्यान में रखें। करियर के लिए समय अनुकूल चल रहा है। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें। समस्या उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सभी प्रकार के सफेद रंग तथा निषेध रंग काला व स्लेटी।
वृश्चिक, मन के सुख के लिए भाग्य 50%। नौकरी व व्यवसाय की दृष्टि से समय अनुकूल है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। घर बाहर सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना बरते, हानि के योग है। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग काला व जामुनी। धनु, मन के सुख के लिए भाग्य 77%। अपने करीबी लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। वित्तीय स्थिति का ख्याल रखने की जरूरत है तथा फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगा सकते हैं। नौकरी पैसा वर्ग को सफलता की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में नवीन योजनाएं बनने के योग हैं। शुभ रंग पीला बसंती व मस्टर्ड तथा निषेध रंग हरा धानी का ही। मकर, मन के सुख के लिए भाग्य 53%। मन कुछ खिन रह सकता है, परंतु परेशान ना हो, परिणाम प्राप्ति पर मन हर्षित होगा। भविष्य को सुधारने के लिए आज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। समय आपके अनुकूल है। आपके कार्यों एवं योगदान को मान्यता मिलेगी। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्ति के योग है। शुभ रंग स्लेटी सफेद तथा निषेध रंग गुलाबी व लाल। कुंभ, मन के सुख के लिए भाग्य 54%। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। आपको अपनी सकारात्मकता ऊर्जा का संचार करना है। किसी को अच्छा ना लगे ऐसा बोलने से बचें। आपकी छवि खराब हो सकती है। व्यर्थ के तनाव से मुक्ति के योग है। शुभ रंग सिलेटी तथा निषेध रंग का ही। मीन, मन के सुख के लिए भाग्य 76%। कार्य में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। रोजगार में वृद्धि हो सकती है। अनुकूल एवं फलप्रद रहने के योग हैं। व्यर्थ के तनाव से घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग पीला नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग नीला काला हरा। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 7:08 से प्रातः 8:53 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।